नेपा नगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे राम किशन पटेल का दावा है कि इस बार क्षेत्र की जनता उन्हें ही मौका देगी, क्योंकि जनता को समझ में आ गया है कि कौन बिकाऊलाल है और कौन टिकाऊलाल। डीजियाना न्यूज से चर्चा में उन्होंने यह बात कही। नेपानगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में यहाँ लेने आए हैं। कैलाश जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो सीट कैसे नाम बता दे जो इस 28 में जीत रही है। वो दो पे आठ और लगा दे, पूरी की पूरी 28 सीट जीतेंगे। दमोह से जब राकेश लोधी आते हैं, राहुल लोधी आते हैं, तो कहते हैं कि दिव्य सिंह कहते हैं काली कमाई जो है भारतीय जनता पार्टी की बाहर निकल रही है, तो इस तरह की बयानबाजी का दौर इस समय राजनीतिक स्तर होते जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरे को भी 40 साल हो गए राजनीति में काम करते करते। मध्य प्रदेश में कभी भी इतने हल्के शब्दों का राजनीति में उपयोग नहीं हुआ जितनी अभी हुआ। और कमलनाथ जी ने जो शुरुआत की है महिलाओं के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री जी को नंगा फूका बोलना, नालायक बोलना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ मुझे अवसर मिला है। मैं अर्जुन सिंह जी के साथ सदस्य था, मोतीलाल वोरा जी के साथ सदस्य था, पटवा जी, कैलाश जोशी जी, ऐसे शीर्ष नेताओं के साथ हम लोग थे। विरोध जरूर होता था, पर शब्दों की दरिद्रता नहीं होती थी। ये जो शब्दों की दरिद्रता हुई है, इससे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा सारे देश में गिरी है। और मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी कमलनाथ जी की है, जिन्होंने कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा को गिराया। डीजीएनएल दो दिन से लगातार विधानसभा में है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, और क्या वाकई जो वादे कर रहे हैं, जो कि हर विधानसभा के साथ संकल्प पत्र बना है, तो नेपाल अगर कोई इन चीज़ों से निजात मिलेगी? निश्चित रूप से। देखिए, ये मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि शिवराज जी ने इस प्रदेश की नब्ज़ को पहचान लिया और हर जिले की क्या विशेषता है और क्या हमें करना है, ये एक खाका बिल्कुल दिमाग के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि नेपानगर का जो प्लान है वो इंदौर का है, वही छिंदवाड़ा का है। सबकी विशेषता क्या क्या है, यहाँ पर अगर केले की खेती होती है आसपास तो केले के लिए हम किस प्रकार उद्योग लगा सकते हैं, यहाँ के लोगों को किस प्रकार रोज़गार मिल सकता है, केले के पेड़ के रेशो से क्या रस्सी बनाई जा सकती है, कपड़े बनाए जा सकते हैं, जिसके ऊपर कि मुझे याद है अर्चना जी ने काफ़ी काम भी किया था। तो इन सब चीज़ों की हम शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं, रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं इन जिलों के अंदर, जहाँ उनको बिल्कुल कारगर किया जा सकता है। आपका कहना है कि छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह? 100% उन्होंने इतना किया है। देखिए, शिवराज सिंह जी आज मध्य प्रदेश के पर्यायवाची बन गए हैं, और इसलिए कमलनाथ जी तो एक ब्लैक स्पॉट होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने 15 महीने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बाद विकास को रोका और सिर्फ पैसा कमाया। बिल्कुल, तो ये कैलाश विजयवर्गीय से जिनका साफ कहना है कि कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कहें कि काला धब्बा साबित होंगे। और भाषा की मर्यादा पर भी उन्होंने कई तरह की बात की कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा इस समय राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कमलनाथ जी ने की है। वही कमलनाथ जी के उस दावे को भी कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर खारिज किया है कि जो दो सीट की बात कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो सीट बताए, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि उसके आगे कमलनाथ जी को 8 ओवर लगा देना चाहिए। नेपालगढ़ विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डीजीएनएल न्यूज़।